चारधाम यात्रा में लगातार उमड़ रही भीड़ से फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने वाले गिरोह भी सक्रिय हो गए हैं। फर्जी रजिस्ट्रेशन के तार दूसरे राज्यों तक जुड़े हुए हैं। इस बड़े गिरोह पर नकेल कसने के लिए अब हरिद्वार पुलिस दूसरे राज्यों की पुलिस से संपर्क साध रही है। फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में अभी तक उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में करीब 39 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अकेले हरिद्वार में इस मामले में 10 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि 4 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। SSP हरिद्वार के मुताबिक इस मामले के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला सहित कई प्रदेश शामिल हैं। जिन जिलों में इस तरह की ट्रैवल एजेंसी संचालित हो रही है, उस जिले के SP को भी पत्र लिखा गया है। कई ट्रैवल एजेंसियां पुलिस के रडार पर हैं, जिनके खिलाफ सबूत जुटा कर कार्रवाई की जा रही है। की स्क्रूटनी की जा रही है और कई एजेंसियों के द्वारा इस तरीके की जो मैलाफाइड जो प्रैक्टिसेस हैं वो की गई हैं, उनको हम लोगों ने संज्ञान में लिया है। तो काफ़ी बड़े स्तर पर ये कार्रवाई की गई थी, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लिया है। यहाँ के साथ साथ हरिद्वार में भी और अन्य जनपदों में भी अलग अलग जगह पर मुकदमे कायम हैं, और जो अन्य राज्य हैं, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, जहाँ के लोग, जहाँ की जो ट्रैवल एजेंसियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके जो संबंधित राज्य के जितने SPs हैं उनको भी हम लोगों के द्वारा यहाँ से पत्राचार किया गया है, ताकि। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पुलकित शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुलकित, लगातार लोगों को ये समस्या भी आती रही है, जब भी क्योंकि टूरिस्ट सीजन है इस वक्त, ऐसे में अगर कोई भी क्राइम होता है तो उससे निपटना भी एक बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि फर्जी तरीके से अगर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा तो दूसरे राज्यों से जो लोग पहुंचते हैं उनकी भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं, और हरिद्वार पुलिस दूसरे राज्यों की पुलिस से संपर्क भी इसे लेकर साध रही है। अभी तक क्या लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मामले को लेकर सामने आ पाया है? जी देखिए, इस बार जो चारधाम यात्रा चल रही है उसमें इस बार भी सभी यात्रियों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य किए गए हैं, ताकि जो चारधाम है वहां पर व्यवस्था बनी रहे। उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी समय पहले से खोल दिए गए थे, और 8 मई से हरिद्वार पहुंचने के बाद कई 2 सेंटरों पर जो है वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे थे। लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जब चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में जब वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई और व्यवस्था वहां पर बिगड़ने लगी, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया। ऐसे में जो कई लोग हैं वो हरिद्वार आ गए दूसरे राज्यों से और वो आगे भी नहीं जा पा रहे थे, तो लंबे समय तक वो जो है हरिद्वार में जो है फंसे रहे इस तरह के श्रद्धालु। इस बीच देखने के लिए ये आया, जब जो यात्री चारधाम के लिए रवाना हो रहे थे, पुलिस के द्वारा उनकी रैंडम चेकिंग की गई, तो पाया गया कि कई लोगों के पास जो है वो फर्जी रजिस्ट्रेशन पाए गए हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप तो है लेकिन उसके अलावा जो उसमें जो डिटेल है, जो उनके लिए जो स्लॉट की जो बुकिंग की जो डेट है वो आगे की तारीख की है, लेकिन जो चारधाम यात्री है वो अभी के लिए रवाना हो रहे हैं। तो पूछताछ में जब पाया गया तो पता चला कि कुछ ट्रैवल एजेंसियां और कुछ यात्रा संघ वो अपनी आपसी मिलीभगत से जो कुछ कंप्यूटर और प्रिंटर के माध्यम से फर्जी रजिस्ट्रेशन की स्लिप निकाल रहे हैं, और ना सिर्फ इससे श्रद्धालुओं के जो है आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए भी खतरा हो रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा के जो स्लॉट है वो पूरी तरह से बुकिंग उनकी हो रखी है और उसके बाद भी जो यात्रियों को भेजा जा रहा है, तो ऐसे में अव्यवस्था फैल सकती है। तो पुलिस की ओर से इसके लिए जो है कार्रवाई शुरू की गई। हरिद्वार की अगर बात करें तो यहाँ पर 10 मुकदमे दर्ज किए, जो है 20 से ज्यादा मुकदमे हैं पूरे अलग अलग जगह। ठीक है पुलकित, विस्तार से आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को ऋषिकेश पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में अधिकारियों के साथ बैठकर अस्थायी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वे मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार का पूरा फोकस है कि चारधाम आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। ये ट्रांजिट कैंप है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे यात्रियों का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है, यहाँ से उनको भेजा जाता है, यहाँ उनको बेसिक कुछ सुविधाएं भी दी जा रही हैं जिनको वेट करना पड़ रहा है। ये निर्णय राज्य सरकार का है कि सभी यात्रियों का पंजीकरण किया जाएगा। एक व्यवस्था ऐसी बनाना चाह रहे हैं कि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। उत्तरकाशी में प्रचंड गर्मी के साथ जंगलों की आग भी विकराल होती जा रही है। गंगा और यमुना घाटी के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, जिससे इलाकों के पेड़ जलकर राख हो रहे हैं। जिला मुख्यालय में बाड़ाहाट और मुखीम रेंज के जंगल रात भर धू धू कर जलते रहे।
हालांकि वन विभाग के कर्मी फायर की टीम रात भर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी रही। आग के कारण जिले में धुंध छाई हुई है, जिससे भीषण गर्मी के बीच कुछ लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। बलबीर परमार खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता उत्तरकाशी। बलबीर, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, अब आग लगने की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्थ के साथ भी जुड़ गई हैं। ऐसे में किस तरह से कोशिश की जा रही है आग को बुझाने की और कहां कहां पर आग लगने की खबरें अभी तक सामने आई हैं? हम उत्तरकाशी में गंगा और यमुना घाटी में आग विकराल हो चुकी है और लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही है। हमने रात भर देखा कि जो बाढ़ाट रेंज है, जो मुखेम रेंज है, उसके जंगल धू धू के जलते रहे और जो वन विभाग के कर्मी थे वो मौके पे पहुंच के आग पे काबू पाने की कोशिश में जुटे रहे। पर आग जिस तरह से लगी है, क्योंकि ढंगारी क्षेत्र पूरा है और आग तेजी से फैलती जा रही है और जिससे पूरे क्षेत्र में धुंध छाई हुई है और जनपद में जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, पिछले 4-5 दिनों में प्रचंड गर्मी महसूस की जा रही है, उसके बीच में जिस तरह से 2 दिन से धुंध जनपद में छाई है, तो उससे जो कुछ लोग हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही है। तो जो आग है प्रचंड गर्मी के साथ विकराल देखी जा रही है, खासकर जिला मुख्यालय की बात करें तो बाढ़ाट और मुखेम रेंज में भीषण आग लगी हुई है, यमुना घाटी में भी इसी तरह के जंगल धू धू के जल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अगर गर्मी इसी तरह से रही तो आग की घटनाएं और देखने की मिलेगी और न कहीं वो जनपद में जिस तरह से यात्रा चल रही है, जो यात्री बड़ी संख्या में पहुंचे तो उन्हें भी गर्मी और उससे परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया बलबीर परमार तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। सीएम पुष्कर धामी इन दिनों पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पंजाब के दौरे का आज उनका तीसरा दिन है। आज सुबह 10 बजे सीएम धामी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जाएंगे और 11 बजे अमृतसर में ही दुर्गियाना मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर का प्रचार भी खत्म होने वाला है और प्रचार में जुटे नेता वापस लौटने लगे हैं। 4 जून के नतीजे बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए काफी अहम होंगे, क्योंकि चंपावत और बागेश्वर के बाद ये दोनों के लिए पहला बड़ा चुनाव है। जैसे जैसे 4 जून की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी हलचल तेज हो रही है। प्रचार खत्म होने में 2 दिन बचे हैं, तो अब काउंटिंग के लिए नेता वापस लौटने लगे हैं। उत्तराखंड में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है और 4 जून का रिजल्ट दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों की परफॉर्मेंस का भी रिजल्ट होगा। महेंद्र भट्ट और करण महारा के करियर का ये पहला बड़ा चुनाव है, तो चंपावत और बागेश्वर का उपचुनाव इन्हीं दोनों प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में हुए हैं। करण महारा का कहना है कि उपचुनाव भले कांग्रेस ना जीती हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस कार्यकर्ता की मेहनत दिखेगी और बीजेपी के लिए ये चुनाव कतई एक तरफा नहीं होगा। हमको याद है, हम चंपावत का चुनाव जब हुआ था, मैं नया था, हम किस तरीके से हारे, क्या क्या वहाँ हुआ आपने देखा है। उसके बाद बागेश्वर के चुनाव में हमने रिकवरी करी, 12,000 के हारे हुए इलेक्शन को हम मात्र 2,000 के आसपास हारे हैं और इस बार के चुनाव में भी 5 लोकसभा सीटों में हम जीत रहे हैं और जो मार्जिन था 3.5 लाख का, 3 लाख का, 4.25 लाख का, वो मार्जिन कहाँ आया है वो आप स्वयं देखेंगे। कांग्रेस 10 साल से उत्तराखंड में कोई चुनाव नहीं जीती, तो बीजेपी का पलड़ा लगातार भारी रहा है। ऐसे में बीजेपी तीसरी बार फिर जीत का दावा कर रही है, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के लिए हर सीट पर जीत का अंतर पिछली बार से बढ़ाने की चुनौती होगी। 2019 में 5 सीटों पर जीत का अंतर कहीं 2 लाख तो कहीं 3 लाख के पार था। देखिए, मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ, कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमने कोशिश की है कि सबके सहमत से परिणाम अनुकूलता में है। मुझे बताते खुशी होती है, अभी तक के जो भी चुनाव हुए हैं उनमें हमने अच्छा एक प्रकार से जीत हासिल की है और मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड के अंदर भी इतिहास रचने जा रहे हैं, हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, 5 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। अप्रैल को जनता का दिया फैसला ईवीएम में बंद है और 4 जून को 5 सीटों के रिजल्ट और जीत हार के अंतर दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों की परफॉर्मेंस भी बताएगा, तो दोनों की काबिलियत भी साबित करेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून।
रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर के टीले पर इन दिनों काम कराया जा रहा है, जिसके चलते मंदिर को 30 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल कोसी की बाढ़ से मंदिर की सुरक्षा के साथ ही मंदिर के टीले को बचाने की कोशिशों के चलते यहां पर काम कराया जा रहा है। मंदिर के बंद होने से दूर दूर से आ रहे श्रद्धालु बिना दर्शन के ही लौट रहे हैं, साथ ही स्थानीय दुकानदार भी काफी मायूस है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोविंद पाटनी रामनगर से लाइव जुड़ चुके हैं। रामनगर दुकानदारों को काफी परेशानी यहां पर हो रही है, 30 जून तक के लिए मंदिर को बंद भी कर दिया गया है और इसके चलते कहीं ना कहीं टूरिज्म भी प्रभावित होता है। क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरह से निपटा जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या तो मंदिर के टीले में है। टीले में असल में दरारें आ गई हैं, उन दरारों के चलते उस टीले को खतरा पैदा हो गया, उसको ठीक करना बेहद जरूरी था। यहाँ के लोगों की मांग थी कि इस टीले को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, तो इसमें काफी रुड़की से भी टीम आई थी, IIT रुड़की से भी टीम आई थी और कई सारी टीमों ने यहाँ पर निरीक्षण किया। उसके बाद जो है कई सालों की मेहनत के बाद अब जो है उसमें काम शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस पर घोषणा की थी कि वो इसका कार्य जल्दी शुरू कराएंगे, उसके बाद इसमें काम शुरू हुआ है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो मंदिर बंद हुआ है इसके चलते स्थानीय दुकानदारों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि जो टूरिस्ट अभी पीक सीजन है, अभी टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं तो उसको वो मंदिर में जरूर मत्था टेकने जाते हैं और दर्शन करने जाते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं जा पा रहे, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जो दर्शनार्थी हैं वो बिना दर्शन के लौट रहे हैं और जो वहाँ के दुकानदार हैं उनकी रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा हो गया है। हालांकि ये इस टीले को बचाने की कवायद के लिए ही सारी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है गोविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ नगर पालिका ने बीते दिनों नए वोटर्स को जोड़ने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसमें हजारों की संख्या में नए मतदाताओं ने आवेदन किया है। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि आखिर रातों रात हजारों नए मतदाता कहां से आ गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नगर पालिका के चुनाव कब होंगे ये तो कह पाना फिलहाल कठिन है, लेकिन पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र में नए मतदाताओं के मुद्दे ने राजनीति तूल पकड़ लिया है। असल में लोकसभा चुनाव के बाद निकाय के लिए नए वोटर को लिस्ट में शामिल करने का काम शुरू हुआ था। ऐसे में शहर के कई वार्डों में हजारों नए मतदाता सामने आ गए। नए वोटर की बढ़ती तादाद ने राजनीति को भी गर्मा दिया है। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि कुछ लोगों के हितों को देखते हुए बाहरी लोगों को मतदाता लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। एक माह पूर्व MP के चुनाव के बाद जो नया मतदाता जुड़ा है, लगभग 4-5 वार्ड ऐसे हैं जहाँ 500 से लेकर 1000 के बीच में मतदाता जुड़ा गया है, ये बहुत चिंतनीय है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि इस पिथौरागढ़ के अंदर उत्तर प्रदेश के मैदानी जिलों के लोगों को जोड़ा जा रहा है और बिहार से जो लोग यहाँ मजदूरी करने आते हैं उनका नाम निस्वार्थ के लिए जोड़ा जा रहा है। वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए अधिक आवेदन यूपी और बिहार मूल लोगों ने किया है। पिथौरागढ़ में यूपी और बिहार मूल के हजारों लोग मजदूरी करते हैं। पिथौरागढ़ नगर पालिका में फिलहाल 20 वार्डों में करीब 37,000 वोटर हैं। नए वोटर को लिस्ट में शामिल करने से पहले मचे बवाल के बीच अब DM ने जांच आदेश भी जारी कर दिए हैं। अभी इसकी जांच चल रही है, जिन लोगों ने भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया था उन सबके आवेदन ले लिए गए हैं, इन सब पे जांच होगी, इसके बाद ही उनको जोड़ा जाएगा। तो प्रॉपर उनकी जांच होने के बाद ही जो एलिजिबल होंगे उन्हीं को जोड़ा जाएगा, सभी को नहीं जोड़ा जाता है। हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़ते ही हैं, लेकिन पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र में हजारों की संख्या में आए आवेदनों पर कई सवाल उठना भी लाजमी है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि पूरी पड़ताल के बाद ही नए वोटर को लिस्ट में शामिल किया जाए। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन प्रीति की रिपोर्ट। क्या उत्तराखंड में एक दिन जंगल ढूंढने पड़ेंगे? सड़कें होंगी, फ्लाईओवर होंगे, नए शानदार शहर होंगे, लेकिन नहीं होंगे तो जंगल। इन दिनों चिलचिलाती गर्मी के बीच ये चर्चा हो रही है, क्योंकि बड़े एरिया में फॉरेस्ट लैंड बाकी के कामों की भेंट चढ़ चुकी है। राजधानी देहरादून में मंगलवार को 40 डिग्री टेम्परेचर था तो रुड़की में सबसे ज्यादा 42 डिग्री टेम्परेचर रहा। लोग इस बढ़ते तापमान के लिए पेड़ों के अंधाधुंध कटान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद से 2020 तक यानी कि 20 सालों में 42,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड सड़क, पेयजल, बांध परियोजनाओं, खनन के कामों के लिए ट्रांसफर कर दी गई। मतलब साफ है कि जहां पहले 42,000 हेक्टेयर एरिया में जंगल फैले थे, वहां अब जंगल काटकर सड़कें और अन्य तरह के विकास कार्य हो चुके हैं। जानकार कहते हैं कि सरकार को एक बॉटम लाइन तय कर लेनी चाहिए, आखिर किस सीमा तक जंगल काटे जाते रहेंगे। नहीं बल्कि मैं कहूंगा लाखों पेड़ कट गए इस दौरान। तो हमने ये 2020 में आरटीआई से करीब मई 2020, तो इसमें जो 20 साल का आंकड़ा है, अभी 2020 से 2024 तक का आंकड़ा नहीं है हमारे पास। जो मेरे ख्याल में अब ये करीब 60-70 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल पहुंच गया होगा, जिसमें मतलब जो फॉरेस्ट लैंड हमारी ट्रांसफर हो चुकी है और जिसमें लाखों पेड़ों की बलि चढ़ाई जा चुकी होगी। आरटीआई से मिले दस्तावेजों के मुताबिक जंगलों का सबसे ज्यादा सफाया राजधानी देहरादून में हुआ। देहरादून में 20,000, हरिद्वार में करीब 7,000, नैनीताल में 3,000 और चमोली में 2,500 हेक्टेयर जंगल का एरिया विकास कार्यों की भेंट चढ़ गया और इकड़ा 2020 तक का है, जबकि पिछले 4 सालों में इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वो ग्रीन है, कवर है, पेड़ है, ग्रास है, बुशेज हैं, ये हमारी साफ हो गई है और हमने पूरा पक्का कर दिया, उसको कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया है। और इसमें कोई दो कहने की बात नहीं है, वो भी आप एक टारकोल के रोड पे खड़े हो जाएं, कंक्रीट के फर्श पे खड़े हो जाएं और हम एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, करीब 7-8 डिग्री टेम्परेचर एकदम डिफरेंस आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा उत्तराखंड में इस समय हम काफी परेशानी से झूल रहे हैं। नियम है कि जितनी फॉरेस्ट लैंड अधिग्रहण की जाएगी, बदले में संबंधित विभाग को पेड़ लगाने के लिए उतनी ही लैंड वन विभाग को देनी होती है। लेकिन उत्तराखंड के पास इतनी जमीन नहीं बची है कि बदले में पेड़ लगाने के लिए वन विभाग को जमीन दे सके। वन विभाग के पास आज भी 9,000 हेक्टेयर जमीन का बैकलॉग पड़ा हुआ है, जहां पेड़ लगाए जाने थे लेकिन जमीन न मिल पाने के कारण सालों बाद भी पेड़ नहीं लगाए जा सके। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन उससे पहले आपको एक खबर बताते हैं जो कि महत्वपूर्ण खबर के, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला से एक अद्भुत वीडियो सामने आया है, जहां पर एक बाघ का शावक पेड़ में चढ़ गया। दरअसल ये शावक पेड़ वाली बाघिन का है, पेड़ वाली बाघिन भी अपने बचपन में पेड़ पर चढ़ती रही, जिसके चलते ये पेड़ वाली बाघिन के नाम से ही मशहूर है। अब उसका शावक भी पेड़ में चढ़ता है, उसके पेड़ से उतरने की कला भी बेहतरीन लग रही है। वहां से गुजर रहे लोगों ने उसका वीडियो बनाया है। ऐसे वीडियोस जो टाइगर रिजर्व या वन क्षेत्रों में ये आते रहते हैं, और जैसे जिस तरीके से उसकी परवरिश हुई है पेड़ वाली की, तो उसके बच्चे भी अवश्य उसके तरह से सीख रहे होंगे पेड़ पे चलना, पेड़ से उतरना।